दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ साबूदाने की खिचड़ी। तो मैंने इतना सामान ले लिया, ये 2 घंटा पहले साबूदाने पुला दिए हैं, ये छोटे आलू उबाल के 4-4 पीस काट लिए छील के, और ये मूंगफली सेक के इसका छिला उतार लिया है। अब इसको हम पीस लेंगे ग्राइंडर में। शक्कर ले ली है, जीरा ले लिया है, सोना नमक, धनिया, मिर्ची, नींबू। तो अब हम इसको पीस लेते हैं मूँगफली को। तो देखिए मैंने मूँगफली को पीस लिया है एकदम ऐसा कि देखिए दरदरा पीसना है, थोड़ी मिक्सी रोक रोक के इसको मोटा मोटा सा दरदरा सा पीसना है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने बराबर ले ली, एक कटोरी साबूदाने, एक कटोरी आलू, एक कटोरी मूँगफली। और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ हम करेंगे गैस चालू और रखेंगे कढ़ाई को, और कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच घी। तो घी अच्छा ही डालना है, ज़्यादा सा। तो घी को गर्म कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों घी अच्छे से कड़क गया है, तो मैं इसमें डालूंगी अब जीरा। जीरा अच्छे से चटक गया है, तो मैं इसके बाद डालूंगी इसमें ये हरी मिर्ची 2 मीडियम करेंगे आँच को। इसके बाद में डालूंगी इसमें कड़ी पत्ती। इसके बाद में डालूंगी इसमें आलू, एक कटोरी आलू को रखेंगे, उसको डाल के अच्छे से चला देंगे। तो हमने आलू को मिक्स कर दिया है। इसके बाद में डालूंगी इसमें ये पीसी हुई मूँगफली, दरदरी पीसी थी ना, ये डाल देंगे और इसको कर देंगे मिक्स। इसको मिक्स, देखिए मैंने मूँगफली डाल दी है, आलू डाल दिया है। अब इसके बाद मैं डालूंगी इसमें ये एक कटोरी फुला के रखे थे 2 घंटा पहले साबूदाने, तो इसको डाल देंगे और अब इसको कर देंगे मिक्स। अब मैं डालूंगी इसमें 2-3 पौधीने के पत्ते जो काट के रखे थे मैंने, वो डालूंगी। और इसके बाद मैं डालूंगी इसमें सौदा नमक जी अपने सहूलियत अनुसार, जितना आप खाते हो टेस्ट के रिक्वायरमेंट उतना आप नमक डाल सकते हैं। और इसी के बाद मैं डालूंगी इसमें चीनी, तो ये 2 चम्मच चीनी इसको भी डाल दूँगी और अब करूँगी इसको मिक्स। दोस्तों मैंने मिक्स कर लिया है, देखिए बिल्कुल एक भी साबूदाना चिपका नहीं है, बिल्कुल खिला खिला है। ये देखिए चला के मैं दिखा रही हूँ आपको, ये बिल्कुल खिली खिली खिचड़ी बनने वाली है। और इसके बाद मैं डालूँगी, ये देखिए साबूदाने दब रहे हैं। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें नींबू, इसको नींबू को डाल देंगे और फिर मैं डालूँगी धनिया पत्ता। बस इसको है ना अब 1 मिनट ढक देंगे। तो दोस्तों देखिए एकदम खिली खिली खिचड़ी बनके तैयार है, एक एक दाना खिचड़ी बनके तैयार है। देखिए इसमें भी नहीं चिपकी, तो प्लेटिंग कर लेते हैं हम। तो दोस्तों प्लेटिंग कर लेते हैं, एकदम खिली खिली खिचड़ी। तो यहाँ पर मैं रखूँगी 2-3 धनिया की पत्ती की लगा, यहाँ पर रखूँगी मिर्ची, और यहाँ पर मैं रखूँगी घर का ताज़ा दही। तो दोस्तों देखिए घर का ताज़ा दही, साबूदाने की खिली खिली खिचड़ी उपवास वाली। और इसमें कुछ नहीं डाला है मैंने, क्योंकि आज मेरा उपवास है बुधवार का, तो मैं इसको सादा ही खिचड़ी के साथ लूँगी। और यहाँ पे मैं रखूँगी 1 स्पून, और देखिए ये बिल्कुल खिली खिली खिचड़ी, एक भी दाना चिपका नहीं है। ऐसे आप भी बना सकते हैं दोस्तों उपवास में, खिली खिली खिचड़ी और दही के साथ लीजिए, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। और मेरी वीडियो कैसी लगी खिचड़ी की कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। जय